ऐसा माना जाता है कि दुनिया में तेल के बाद सबसे अधिक पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट किया जाता है और सोने को लेकर दीवानगी सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि दुनिया के कई देशों में है। लेकिन जब भी गोल्ड का नाम आता है हम दुबई को ही इमेजिन करते हैं क्योंकि दुबई में गोल्ड ज्यादा भी है और सस्ता भी है। लेकिन सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सोने के दाम भारत से 15% तक कम है। आइए इन देशों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात दुबई की। सस्ते सोने के मामले में दुबई का मुकाबला शायद ही कोई दूसरा देश कर पाए। दुनिया में पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र दुबई गोल्ड का भी एक बड़ा हब है। यहाँ की सरकार सोने पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाती है इसीलिए भी यहाँ गोल्ड काफी सस्ता होता है। दुबई में दियरा एक ऐसी जगह है जहाँ गोल्ड सूक एरिया गोल्ड शॉपिंग का हब माना जाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड भी गोल्ड के लिए फेमस है। आपको स्विट्जरलैंड का नाम सुनकर स्विस बैंक का ख्याल जरूर आता होगा लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया भर में गोल्ड के लिए भी पॉपुलर है। स्विस वॉचेज और अपने डिजाइनर गोल्डन घड़ियों के लिए पॉपुलर ये देश सोने का भी अच्छा कारोबार करता है। यहाँ के ज्यूरिख शहर में लोगों को अच्छा और बेहतर सोना मिल सकता है। यहाँ हैंडमेड डिजाइनर गहनों के साथ आपको काफी वैरायटी मिल जाएंगी। अब इस लिस्ट में नाम आता है हांगकांग का। एक समय ब्रिटिश कॉलोनी रहे हांगकांग में टैक्स की रियायतें भी भरपूर है। हांगकांग में आपको सोना बेहद कम कीमत पर मिलता है। मालूम हो कि ये देश का सबसे एक्टिव गोल्ड ट्रेडिंग मार्केट में से एक है। आगे लिस्ट में थाईलैंड का नाम आता है। थाईलैंड ट्रिप के लिए काफी पॉपुलर है लेकिन यहाँ भी दुबई की तरह ही सस्ते सोने का केंद्र है। थाईलैंड के बैंकॉक में आप कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का सोना खरीद सकते हैं। थाईलैंड के चाइना टाउन में यावोरात रोड सोना खरीदने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ आपको बहुत कम मार्जिन में गोल्ड मिल जाता है और साथ ही अच्छी वैरायटी भी होती है। लेकिन आप कितना सोना भारत ला सकते हैं? अब सवाल यही उठता है कि थाईलैंड से लेकर दुबई तक आप सस्ते में सोना तो खरीद सकते हैं लेकिन विदेशों में खरीदा गया सोना क्या भारत लाया जा सकता है? इस पर टैक्स कितना देना होगा आपको इस पर भी गौर करना चाहिए। देश में सोने के सिक्के गहने आदि को लाने को बड़ी सख्ती से केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ने गाइड फॉर ट्रैवलर्स जारी की है। इसमें आपको बताया गया है कि विदेश से आप कितना सोना ला सकते हैं। हालांकि एक पुरुष अधिकतम 20 ग्राम सोना ला सकता है और एक महिला अधिकतम 40 ग्राम सोना बिना किसी टैक्स के भारत ला सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप गुड रिटर्न्स के साथ जुड़े रहे। डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स।